अमेरिका के नशेड़ी ज़ॉम्बी बन रहे हैं, उनका शरीर सड़ रहा है और कुछ समय बाद ऐसी हालात हो जाएगी कि उनके शरीर के उस अंग को काटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी वो ड्रग लेते थे, लेकिन अब ऐसी क्या हालात आ गई कि उनके शरीर सड़ने लग रहे हैं, अजीब अजीब घटनाएं शरीर में हो रही हैं और उनकी मौत हो जा रही है। इसका कारण है ज़ॉम्बी ड्रग। अब ये ज़ॉम्बी ड्रग क्या है? ये एक है, इसका नाम जो दूसरा नाम वो है ट्रेंक ड्रॉप्स। इसका नाम ट्रेंक ड्रॉप है। अब ये बनता कैसे है? जो भी चरस गांजा जितने भी नशेड़ी चीजें हैं उसमें हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद वो ज़ॉम्बी ड्रग बन जाता है, और उस केमिकल का नाम है ज़ाइलाज़ीन। ज़ाइलाज़ीन वो तबाही है जो अगर इन चीजों के साथ, नशेड़ी चीजों के साथ मिला के लें तो वो ज़ॉम्बी ड्रग बन जाता है, जो कि हमारे दुनिया मतलब माइंड को इतना नशे में डाल देता है कि कुछ नहीं दिखता, एकदम ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगते हैं। और इसका रिएक्शन ऐसा होता है कि शरीर पे पके पके घाव होने लगते हैं, पानी निकलने लगता है, जो मवाद हम लोग कहते हैं ना, पल्स निकलने लगते हैं, शरीर सड़ने लगता है, कुछ समय बाद शरीर को काटना पड़ जाता है। तो पहले जानते हैं ज़ाइलाज़ीन ये है क्या, कौन सी दवा है। हालांकि ज़ाइलाज़ीन दवा शुरुआत में बनाई गई थी जानवरों को बेहोश करने के लिए, और इसकी जो कैटेगरी होती है ना, ये कैटेगरी में आता है ट्रैंक्विलाइजर कैटेगरी में। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? ये नशा या बेहोशी की दवाइयां जो होती हैं वो इस ग्रुप में आती हैं, उसी ग्रुप में ये आता है। ये बड़े बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये है बेहोशी यानी नशे की दवा, जिस कारण अब इसका इस्तेमाल इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब ये लोग करते क्यों है इसका इस्तेमाल? क्योंकि देखिए नॉर्मली जो इंजेक्शन वगैरह या फिर वो ड्रग्स हम लेते हैं उसका नशा कुछ ही घंटों तक रहता है, यानी दिन में 4-5 उनको लेना पड़ जाता, 4-5 बार इनको लेना पड़ता था। लेकिन अब जब ये ज़ाइलाज़ीन मिला के ले रहे हैं तो इसका असर 12-12 घंटा 24-24 घंटा रह रहा है, जिस कारण ये नशेड़ी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी सजा भुगत रहे हैं, जो भी बन जा रहे हैं और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जा रही है। मगर ये समस्या सरकार को बहुत बड़ी समस्या दिख रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है भी। अब इस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, इसकी समाधान क्या होगा, ये जो नशेड़ी लोग हैं उन पर कैसी कार्रवाई की जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट वहां की बहुत अच्छे से सोच रही है। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। जनरली जब हम लोग कोई भी नशेड़ी सामान लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, इनके दो ग्रुप होते हैं, एक ओपियोइड और दूसरे रिसेप्टर्स। तो ओपियोइड हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स के कौन रिसेप्टर्स कौन देता है, जो ये जो नशेड़ी चीजें हम लोग लेते हैं वो रिसेप्टर्स का काम करती हैं, और ये जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग इमेजिनेशन चलने लगता है, और शरीर में क्या होता है वो कनेक्शन टूट जाता है, वो सिग्नल माइंड के पास जाता है, माइंड अपना एक अलग दुनिया बनाने लगता है जिसमें हम लोग खो जाते हैं, जिस कारण ज़ॉम्बी की तरह देखते हैं आप एकदम गुम हो गए, कुछ भी नहीं होता है, अलग अलग बात करना, प्रधानमंत्री को फोन मिला देना, ये सब उसी के कारण होता है जब नशा लेते हैं। तो जब नशा लेने के बाद ये लोग ये दवाई ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं, देखिए पहला तो दिमाग पे असर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे सारी नसें आती जाती हैं और जो हमारे बॉडी का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल इसी के थ्रू फ्लो करता है, उस पर ये कंट्रोल करती हैं। उसके बाद नर्व सिस्टम, नर्व जो हमारे नसों का पूरा जो प्रसार है हमारे शरीर में, जहाँ से हर एक इन्फॉर्मेशन आता है, उसके भी कनेक्शन को ये ब्लॉक कर देती हैं और पूरा माइंड नशे में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है। और इसी के लिए ये लोग इसी के वो एडिक्ट होते हैं नशेड़ी लोग, जिस कारण वो लोग ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके इलाज की बात की जाए तो इलाज क्या होता है, जनरली जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अफीम गांजा चरस हीरोइन वगैरह, उनको नशा से हटाने के लिए, क्योंकि वो नैलाजोन नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं। नैलाजोन क्या होता है, जो भी ओपोइड ओपियोइड होती हैं, मतलब कि जो चरस गांजा से बनाई वाली नशेड़ी चीजें होती हैं, उन पर ये आराम देती है, उनको रिलीफ दिलाती है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर ये ज़ाइलाज़ीन है, ज़ाइलाज़ीन उस ग्रुप में आता ही नहीं, क्योंकि ये चरस गांजा से बनता ही नहीं, ये अलग ही केमिकल है। मगर इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शायद जिस ड्रग के साथ इसको इस्तेमाल किया गया उसके अगर असर को कम किया जाए तो शायद ज़ाइलाज़ीन का असर भी कम होगा। इस उम्मीद में नैलाजोन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये ज्यादा असरदार दिख नहीं रहा, यानी हाल में इसका कोई ज्यादातर इलाज नहीं। अगर शरीर सड़ना उनका शुरू हो गया तो वो खत्म समझो, चैप्टर क्लोज। अब बात करते हैं इंडिया में, तो पहली बात तो इंडिया में ये सब बिकता नहीं, और इंडिया के लोग इतने होशियार हैं कि इस प्रकार के एडिक्शन दिखते नहीं, तो हमें सावधान होना चाहिए। और मार्केट नॉर्मल मार्केट में ये दवाइयाँ मिलती ही नहीं है, ये जो ड्रग्स वगैरह की है वो पूरी की पूरी बैन है। हमारे भारत में तो एक कफ सिरप था जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी तो उसको बैन कर दिया गया, खैर ये तो बहुत दूर की बात है, तो इस पर ज्यादा सोचने की बात है नहीं। 1960 में बना ज़ाइलाज़ीन, लोगों को पता चला, अब तो पीना शुरू कर दिए, तो अब बन रहे हैं ज़ुमैनज़ी, साइड इफेक्ट कितना खतरा है, लेकिन फिर भी क्या करें, ड्रग का एडिक्शन इतना बड़ा एडिक्शन होता है कि अगर वो ना ले तो भी सोचते हैं कि मर जाएंगे, उस हालात में वो लोग ये लेते हैं।
तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।